तो बॉलीवुड की दो बड़ी मूवीज के दूसरे पार्ट लग चुके हैं, मतलब सिक्वल लग चुके हैं। एक तरफ दोस्तों रिलीज हुई है OMG 2 और दूसरी तरफ दोस्तों रिलीज हो चुकी है गदर 2। तो भाई ये बहुत बड़ा युद्ध होने वाला है बॉक्स ऑफिस कलेक्शन में। खैर दोस्तों रिलीज हो गई है गदर 2, तो ये मूवी कैसी है, अच्छी है या बुरी, क्योंकि भाई जमकर इसका प्रमोशन किया गया है, लोगों के मन में तो पहले से ये निकल कर आ गया कि ये मूवी बहुत बड़ी सुपरहिट साबित होने वाली है। तो दोस्तों मूवी कैसी है उसके बारे में हम बात करेंगे, क्योंकि फाइनली भाई मूवी रिलीज हो गई है। तो जानने के लिए वीडियो को एंड तक देखते रहिए, लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों मूवी के ड्यूरेशन के बारे में। तो इसकी जो लेंथ है भाई वो लगभग 2 घंटे 45 मिनट के आसपास रखी गई है, तो ये काफी ज्यादा बड़ी लेंथ होती है। तो हाँ दोस्तों नॉर्मल मूवी से तो ज्यादा ही है। बात आती है भाई हमें स्टोरी के बारे में। स्टोरी तो हमें भाई पहले से पता थी कि भाई जो कैरेक्टर है वैसा ही होने वाला, यानी कि हमारा जो तारा सिंह का कैरेक्टर है और भाई जो इनका बेटा है गीते भाई, उससे लाने के लिए पाकिस्तान 1971 की जो कहानी दिखाई गई है लाहौर में, वहां से पाकिस्तान आर्मी से भिड़ने वाले और उनसे वो लेकर आ रहे हैं, ये हमें स्टोरी में देखने को पहले से पता था और वही देखने को मिला है। लेकिन दोस्तों सारी चीज़ें जो डिपेंड थी वो थी क्रिएशन के ऊपर, डायरेक्शन के ऊपर, एक्टिंग के ऊपर, डायलॉग्स के ऊपर, कि किस तरीके से सारी चीज़ें हमें देखने को मिलेंगी। सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों इसकी सेट लोकेशन की, जो 1971 का दोस्तों लाहौर का जो पुराना यानी कि जो एंटिक टाइप का जो दिखाया गया इन्होंने सेट, वो बहुत ज़्यादा सुपर वे में बनाया है। ऐसा नेक्स्ट लेवल नहीं बोलूंगा, लेकिन दोस्तों आपको ऐसा नहीं लगता है कि कुछ नकली सा है। ओवरऑल दोस्तों वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा अच्छा काम इन्होंने किया है। और दोस्तों बात आती है डायलॉग्स की, तो कुछ डायलॉग्स इसके सचमुच बहुत ज़्यादा सुपर है, जो कि आपको गूज बम्प फील करा देंगे। और दोस्तों कुछ लोग को तो आप क्लैप करने पे भी देखोगे कि दोस्तों ऐसे डायलॉग्स है इसके, नो डाउट दोस्तों डायलॉग्स में इन्होंने अच्छा काम किया है। और दोस्तों बात आती है हमारे सनी देओल सर की, जो भाई एकदम नेक्स्ट लेवल के कैरेक्टर है, और इनके हाथ के सामने तो भाई कोई नहीं टिक सकता, यहाँ तक कि हैंडपम्प भी उखड़ जाता है। तो दोस्तों हाँ वहाँ पर पावर तो है, लेकिन दोस्तों ये सारी चीज़ें जब होती है तो आपको ऐसा नहीं लगता है कि कुछ ओवर पावर दिखाया जा रहा है, क्योंकि जब कुछ लड़ाई वगैरह होती रहती आपके अंदर कुछ अलग ही दोस्तों फील होता है। तो हाँ वहां पर दोस्तों ऐसा लगता है कि ये कैरेक्टर तो कुछ भी कर जाएगा, हैंडपंप का है तो गाड़ी भी उठाकर फेंक देगा, तो वैसी ताकत दोस्तों लगती है और वो दोस्तों मूवी में फील होता है। तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फील होना ही होता है, तो दोस्तों ये मूवी अच्छी तरीके से प्रेजेंट कर पाती है। ओवरऑल दोस्तों सकीना का कैरेक्टर भी अच्छा खासा दिखाया गया है इसमें, उसके डायलॉग भी काफी ज्यादा सुपर्ब लगे। लेकिन दोस्तों इस मूवी में मेन फोकस किया गया इनके बेटे को, जो कि है जीते, वो किस तरीके से उसे लाते हैं, वही मेन लड़ाई होने वाली है। और दोस्तों जिस तरीके से लड़ाई दिखाई है उन्होंने बहुत ज्यादा सुपर्ब लगी मुझे, ये भाई वन मैन आर्मी क्या करते हैं वो तो आपको मूवी में देखने को पड़ेगा। तो दोस्तों बात आती है डायरेक्शन की, तो डायरेक्शन भाई बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं बोलूंगा, लेकिन एवरेज टाइप की मुझे डायरेक्शन लगी है इस बार। क्योंकि दोस्तों कुछ जगह पे यानी कि सेकंड हाफ जो है ना मूवी का थोड़ा लंबा खींच दिया गया, जितना इंप्रेसिव फर्स्ट हाफ है उतना ज़्यादा सुपर नहीं लगता है सेकंड हाफ। दोस्तों आप जब ये मूवी देखोगे तो फील करोगे, तो दोस्तों ऐसा नहीं होना चाहिए था, क्योंकि सेकंड हाफ तो मूवी का स्ट्रांग होता है, तो दोस्तों फर्स्ट हाफ भी भूल जाते हैं लोग, सेकंड हाफ में भाई मूवी के लिए खुश हो जाते हैं। ओवरऑल दोस्तों मैं यही बोलूंगा कि ये मूवी तगड़ी कंपटीशन होने वाली है दोस्तों OMG 2 को, क्योंकि OMG 2 भी एक अच्छी मूवी निकल कर आई है। तो ऐसे में दोस्तों देखना होगा कि मूवी कौन सी बाजी मारती है बॉक्स ऑफिस कलेक्शन में। वैसे दोस्तों जो गदर 1 के फैंस है तो भाई तो उनके लिए तो ये मस्ट वॉच होने वाली है। इतना ही दोस्तों इस रिव्यू में, क्या सोचते हो मूवी के बारे में कमेंट में जरूर बताना, वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।